3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के मामले में कई परतें खुलती जा रही हैं। जिस हिंसा को दो पक्षों के बीच हुआ विवाद बताया जा रहा था, ऐसे में अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि एक उग्र भीड़ ने चंद्रेश्वर होते हाथी पर हमला किया था। वहीं पुलिस ने भी चंद्रेश्वर हाथी पर भीड़ द्वारा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया है। बीते दिनों 3 जनवरी को यहाँ पे हुई हिंसा में ये हम परेड चौराहे में खड़े हैं और यहाँ पे हजारों की भीड़ में ये चंद्रेश्वर हाथा है, यहाँ के कुछ लोगों के ऊपर हजारों की भीड़ ने हमला कर दिया था। और कुछ दिन पहले यहाँ बिल्कुल एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ रहा था कि हजारों ईंटें, पत्थर और बम गोलियाँ यहाँ पे चल रहे थे, उस तरफ से हजारों की भीड़ यहाँ पे बढ़ रही थी। और यही है वो चंद्रेश्वर हाथा जहाँ पे जहाँ के लोगों पर हमला हुआ था। आइए अंदर चलते हैं और बात करते हैं यहाँ कुछ लोगों से कि आखिर क्या उस दिन क्या मामला हुआ था। कानपुर के परेड चौराहे से कुछ दूरी पर ही ये चंद्रेश्वर हाथा है और ये चंद्रेश्वर हाथे के अंदर घुसते हैं। यहाँ लमसम 70-80 परिवार है यहाँ पे, जो 70-80 परिवार रहता है। उसके बाद अगल बगल बहुत बड़ा एक मुस्लिम वर्ग है जो किलोमीटर तक फैला है, हजारों परिवार मुस्लिमों के हैं। ये मुस्लिम एरिया है और इसके बीच में एक छोटा सा हाथा बना हुआ है, चंद्रेश्वर हाथा, जहाँ कुछ 70-80 परिवार हिंदुओं के हैं। और बीते दिनों 3 जून को इसी हाथे के ऊपर लगभग 1000 लोगों की भीड़ द्वारा इस हाथे के ऊपर हमला किया गया था। आइए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं हाथे के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उस दिन क्या हुआ था। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय दुबे। दुबे जी, ये बताइए, ये बीते दिनों 3 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, क्या था, क्या मतलब क्या मामला था उस दिन, असलियत क्या थी? असलियत क्या, मैं तो दुकान में था, 4:30 बजे आया तो यहाँ पे बम ईंटे पत्थर चल रहे थे। जैसे दादा खड़े, दादा पूछे, दादा क्या हुआ था उस दिन? हुआ क्या था उस दिन, शुक्रवार का दिन था, ये लोग नमाज पढ़ के अपनी आ रहे थे और लाखों हजारों की भीड़ थी इनकी, और आते ही सीधे मतलब ये नारे लगाने लगे अपने। क्या क्या हथियार चलाए? अरे उन्होंने समझ लीजिए बम भी चलाए हैं, फायरिंग भी करी है और घूमे पत्थर से तो पूरा हमला किया। हाथे के तो, कितने लोग घायल हुए हैं? अरे कम से कम 10-12 लोग हैं। 10-12 लोग, 10-12, जिसमें 2 लोग तो बहुत ज्यादा गंभीर है। धमकी मिली है कल यहाँ पे कि उड़ा देंगे? हाँ, कल एक धमकी दी गई है, हमारे यही के मोहल्ले के हैं, मतलब उनको धमकी दी गई थी कि चंद्रेश्वर, तुमको बहुत ज्यादा मुसलमानों से नफरत है तो चंद्रेश्वर हाथे को उड़ा देंगे, लेकिन इसके बाद उसने फोन काट दिया। ये चंद्रेश्वर हाथा है, यहाँ के लोग अभी भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, ये भूल नहीं पा रहे हैं 3 जून का वो दिन, जिस दिन हजारों की भीड़ इस हाथे की तरफ बढ़ रही थी और इतना ज़्यादा हमलावर हो गई थी कि यहाँ पे ईंटें, बम, पत्थर, गोलियाँ लेकर इन लोगों पे हमला कर दिया था। मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे 60-70 परिवार हिंदुओं के हैं और ये पूरा इलाका दूर दूर तक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। और जैसे कि बताया भैया ने कि पहले भी इस तरह के हमले इन लोगों के साथ हो चुके हैं। भैया बैठे हैं, भैया से पूछ लेते हैं, भैया क्या उस समय थे आप घटना के समय? जी, क्या जी, हुआ जी। था सर, एकदम से लोग आ गए हजारों की तादाद में, पथराव करने लगे, हमारी माताएं बहनें सर घबरा गई थी, एकदम से घबरा गए थे, 10-12 लोग ही थे हम लोग यहाँ पे सर, यहाँ इस हाथे में 500 लोग हैं, सिर्फ केवल 500-600 लोग इससे जाते हैं। जैसा कि ये चर्चाएं रही हैं सोशल मीडिया में कि दो पक्षों में हिंसा हुई थी, लेकिन अब मामला देखते हुए पुलिस की जांच के बाद यही सामने आ रहा है कि दो पक्षों में हिंसा नहीं हुई थी, एक बड़ी भीड़ की उपद्रवियों ने भीड़ की शक्ल लेकर इस छोटे से इलाके जिसे वो चंद्रेश्वर हाथा कहते हैं, इस हाथे के ऊपर हमला किया था। क्योंकि यहाँ पे जो लोग 10-12 लोग मौजूद थे वो हाथे के बाहरी थे जो अपनी सुरक्षा के लिए खड़े थे, और उसके दूसरी तरफ से 150 मीटर की दूरी पे हजारों लोगों ने भीड़ बना के वहां से ईंटें, पत्थर और बम चला रहे थे। पर यहां के लोगों पर एक भीड़ ने जानलेवा हमला किया था, जिसका मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। मैं विनीत मिश्रा, कैमरामैन आशीष के साथ।